चेहरा। यह सुनते ही दिमाग में जो पहला ख्याल आता है वह यह कि इस दिन भगवान राम ने रावण का वध किया था और इस दिन को बुराई पर अच्छाई की जीत के प्रतीक के तौर पर रावण दहन कर मनाया जाता है। लेकिन अपनी अनूठी परंपराओं के लिए जाने जाने वाले छत्तीसगढ़ में एक दशहरा ऐसा भी है जहां ना भगवान राम होते हैं और ना ही रावण का वध किया जाता है, बल्कि यह पर्व देवी माँ को समर्पित है। हरेली अमावस्या के साथ ही पाट यात्रा की रस्म के साथ विश्व प्रसिद्ध बस्तर दशहरा की शुरुआत हो गई है। सबसे लंबे समय तक मनाया जाने वाला बस्तर दशहरा इस बार 75 दिनों की जगह 77 दिनों तक मनाया जाएगा और रविवार से इसकी तैयारियां भी शुरू हो गई है। बस्तर दशहरा के दौरान रथ यात्रा निकलती है। इन रथों पर देवी माँ सवार होती है। रथ बनाने की पहली लकड़ी को स्थानीय बोली में थुरलू खोटला और टीका पाटा कहते हैं। हरेली अमावस्या को माझकोट जंगल से लाई गई लकड़ी की पूजा की जाती है, जिसे पाट यात्रा रस्म कहते हैं। इसके बाद बिरिंगपाल गांव के ग्रामीण सिरासार भवन में सरई पेड़ की टहनी को स्थापित कर डेरी गड़ाई की रस्म पूरी करते हैं। इसके साथ ही रथ निर्माण के लिए जंगलों से लकड़ी शहर पहुंचाने की प्रक्रिया शुरू हो जाती है। रविवार सुबह 11 बजे मां दंतेश्वरी मंदिर के प्रधान पुजारी कृष्ण कुमार पाढ़ी के साथ बस्तर दशहरा का रथ बनाने वाले प्रमुख कारीगर दलपति नाग पाटयात्रा पूजा विधान स्थल पहुँचे। यहाँ साल लकड़ी में 7 किले ठोक कर पूजा प्रारंभ की। पूजा के बाद एक बकरा, 7 मांगुर मछली, सवाया के रूप में अंडा और विभिन्न देवी देवताओं का आवाहन करते हुए लाई चना अर्पित कर महुआ की शराब का तर्पण किया गया और इसी के साथ शुरू हुआ विश्व प्रसिद्ध ऐतिहासिक दशहरा। इस ऐतिहासिक दशहरा को देखने देश ही नहीं बल्कि विदेशों से भी सैलानी पहुँचते हैं। आराध्य माई दंतेश्वरी की कृपा से, मावली माता के आशीर्वाद से जो बस्तर रियासत का हजारों साल का, जो सैकड़ों साल का जो ये दशहरा महापर्व का आज आगाज हुआ है, आज अमावस्या तिथि है, हरियाली के रूप में पूरा छत्तीसगढ़ पूरा देश में मनाया जाता है। हमारे बस्तर के लोग अमूस त्यौहार के रूप में मनाया जाता है और यह पहला पूजा भी विधान भी इसको माना जाता है। और आज जो पाट यात्रा थुरलू कोटला का पूजन हुआ है, हमारे जो परंपरागत हमारे जो रथ निर्माता परिवार के हमारे बेड़ा जारूमर गांव के सभी बड़ाई परिवार के लोग और पुजारीगण और मेंबरिन और माजी यहाँ उपस्थित रहे, शहर के पूरे गणमान्य नागरिक उपस्थित रहे, क्योंकि यह जो दशहरा है विश्व प्रसिद्ध दशहरा है और 75 दिन का दशहरा माना जाता है, लेकिन इस वर्ष 77 दिन होगा और इस दशहरा महापर्व उत्सव में पूरे विश्व के पर्यटक लोग भी आएंगे, हम उनका स्वागत करेंगे। और बस्तर के हमारा जो बस्तर है केरल राज्य से बड़ा, इजराइल बेल्जियम देश से बड़ा क्षेत्रफल बस्तर रहा है, यहाँ के सभी समाजों का इस दशहरा उत्सव में भागीदारी रहा है और इस बार भी भागीदारी रहेगा। और हमारे दशहरा उत्सव से हमारी संस्कृति परंपरा हमारे कल्चर का जो पहचान है और जिससे हमारे भाईचारा एकता बना रहता है, इसीलिए मैं दंतेश्वरी माई को और आराध्य माई मावली माता को मैं प्रार्थना करता हूँ कि हमारे बस्तर को खुशहाली बने रहे, हमारे बस्तर में शांति स्थापित हो और बस्तर आगे विकास करे। इस दौरान बस्तर कलेक्टर विजय दयाराम ने भी इस ऐतिहासिक दशहरा में शामिल होने के लिए सैलानियों को न्यौता दिया। बस्तर अंचल के सभी निवासियों को बस्तर के शुरुआत के अवसर पर सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं और बधाई देना चाहूँगा। साथ ही साथ में बाहर से आने वाले हमारे सभी सैलानियों को भी एक आह्वान देना चाहूँगा कि बस्तर दशहरा में ज़रूर आए और यहाँ के रीति रिवाज, यहाँ के संस्कृति और यहाँ के जो रहन सहन को जाने अच्छे से और यहाँ के चीज़ों को बाहर ले जाए, इस आशा के साथ आह्वान भी देता हूँ। रही बात खर्च की, पिछले साल में लगभग 1.25 करोड़ के आसपास का खर्चा हम लोगों ने एक्सपेक्ट किया था और 1.40 के आसपास खर्चा बैठा था, इस बार भी लगभग उसी के आसपास हम लोग इसको देख रहे हैं। इस सुप्रसिद्ध बस्तर दशहरा की शुरुआत हो गई है। आज पाट यात्रा का विधान यहाँ संपन्न कराया गया। मेरे ठीक पीछे आप देख सकते हैं एक लकड़ी लाई गई है, इस लकड़ी को थुरलू खोटला कहा जाता है। दशहरा पर्व की पहली रस्म यही होती है कि थुरलू खोटला की यहाँ पूजा की जाती है और इसके बाद रथ बनाने की प्रक्रिया शुरू हो जाएगी। विशेष ग्राम के लोग रथ बनाने का काम करते हैं, बड़े उमरगांव और झार उमरगांव के लोग ही कई वर्षों से रथ का निर्माण करते आ रहे हैं। इस विधान के बाद से अब इस लकड़ी से एक हथौड़ा तैयार किया जाएगा और पूरे रथ निर्माण के दौरान उसी हथौड़े के सहारे रथ बनाया जाएगा। अगर खर्चे की बात की जाए तो पिछले वर्ष करीब 1.40 करोड़ रुपए बस्तर दशहरे
के आयोजन में खर्च हुए थे और लगभग इस वर्ष भी उतने ही खर्चा होने का अनुमान जिला प्रशासन ने जताया है। बस्तर दशहरा इसलिए भी प्रसिद्ध है क्योंकि यहाँ भगवान श्री राम की पूजा नहीं होती, यहाँ पे आदि शक्ति सती माता और जो माँ दंतेश्वरी हैं, मौली माता हैं, उनकी पूजा अर्चना होती है और एक विशाल काय रथ यहाँ संचालित होता है। इसे देखने के लिए देशी नहीं पूरे विदेश से भी कई बड़ी संख्या में पर्यटक यहाँ पहुँचते हैं, इसीलिए बस्तर का दशहरा खास माना जाता है। इस वर्ष भी यह पर्व धूमधाम से मनाए जाने की तैयारियां की जा रही है। धर्मेंद्र महापात्र, छत्तीसगढ़ तक, जगदलपुर।